हे एवरीवन, इट्स मी रोहन मलिक, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइज, आज मैं आप लोगों को प्रोफेशनल एडिटिंग के बारे में बताने वाला हूँ। गाइज, बहुत सारे यूट्यूबर ने एडिटिंग के बारे में बताया है, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं सीख पाते हैं एडिटिंग, वो लोग बेसिक तरीके से नहीं बताते हैं। तो आज मैं आप लोगों को बेसिक एक एक ट्रिक बताने वाला हूँ, जैसे आप लोग प्रोफेशनल एडिट कर सकते हो, एकदम बेसिक से बताने वाला हूँ। सो गाइज, वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को अगर स्किप करोगे तो आप लोग वीडियो नहीं सीख पाओगे, एडिटिंग नहीं सीख पाओगे। तो वीडियो को पूरा देखना, और गाइज वीडियो अच्छा लगेगा तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। सो गाइज, बिना टाइम वेस्ट किए चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। ऑलराइट गाइज, तो जैसा कि अभी आप लोग हमने आप लोगों को बताया कि प्रोफेशनल एडिटिंग के बारे में। सो गाइज, प्रोफेशनल एडिटिंग आज मैं आप लोगों को ये पिक करके दिखाने वाला हूँ प्रोफेशनल एडिटिंग। जो देख सकते हैं गाइज, फोटो नॉर्मल फोटो है और नॉर्मल मोबाइल से क्लिक की गई है फोटो। तो सबसे पहले फ़ोटो को एडिट करने के लिए गाइज हम लोग पिक्सआर्ट में जाएंगे। पिक्सआर्ट में इसलिए जाएंगे क्योंकि सबसे पहले फ़ोटो को एडिट करने से पहले आप लोगों को पिक की क्वालिटी को बढ़ाना होगा। पिक की क्वालिटी जितनी बढ़ेगी फ़ोटो उतनी अच्छी लगेगी। तो सबसे पहले शेयर करेंगे। और लाइक गाइज, तो हमारी पिक पिक्सआर्ट में आ चुकी है और इसका अब हम लोग क्वालिटी बढ़ाएंगे। क्वालिटी बढ़ाने के लिए गाइज आप लोगों को टूल्स का ऑप्शन दिख रहा होगा, टूल्स के ऑप्शन पर जाना है और रीसाइज के ऑप्शन पर जाना है। गाइज यहाँ पे आप लोगों को मैक्सिमम नंबर पुट करना है, जिससे हमारी पिक की क्वालिटी बढ़ जाएगी। मैक्सिमम नंबर पुट करना है। एज ए मैं 6000 डालता हूँ। तो गाइज ये बोल रहा है 1983, यानी मैक्सिमम नंबर इस फोटो का 1983 होगा, तो हम 1983 डालेंगे। सो गाइस, इसके बाद रिसाइज कर देना, तो हमारी पिक की क्वालिटी बढ़ जाएगी गाइस। और इसके बाद इस फोटो में कोई भी छेड़छाड़ पिक्सआर्ट में नहीं करना है। इस फोटो को हम लोग को ड्रॉ टूल में जाना है। ड्रॉ टूल में जाने के बाद गाइस फोटो को कर लेना है सेव। सेव करने के बाद अब चलेंगे गाइस हम लोग लाइट रूम। और लाइट गाइज, तो फोटो की क्वालिटी बढ़ाने के बाद आप लोगों को पिक को सेव करके आप लोगों को शेयर करना है लाइट रूम में। तो लाइट रूम में हमारी फ़ोटो आ चुकी है। लाइट रूम में आने के बाद गाइज आप लोग एक एक स्टेप पूरे ध्यान से देखना गाइज, और आप लोग एक एक स्टेप पूरे ध्यान से देखना, क्योंकि सबकी पिक एक जैसी नहीं होती। तो आप लोग मैं एक चीज़ बताने वाला हूँ, यहाँ पर ये वाला ऑप्शन दिख रहा होगा गैलरी वाला, इस पर क्लिक कर देना। तो ये ऑटोमेटिक कलर एडजस्टमेंट कर लेगा, जैसे देख सकते हैं यहाँ पे लाइट एडजस्टमेंट कर लेगा गाइज। वाइट को या 14 लिया, शेडो को 13 लिया, हाईलाइट को -2। और नहीं तो आप गाइज ये अपने मैनुअल तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे शेडोज़ को मैं बढ़ा देता हूँ 70 के आसपास। और राइट गाइज, हाईलाइट को आप कम भी कर सकते हैं, लेकिन हाईलाइट को हम ज़्यादा कम नहीं करेंगे, 10 के आसपास रखेंगे। गाइज ये आप लोगों को एक्यूरेट नहीं रखना है, जितना हम रखें उतना नहीं रखना है। आप लोगों को अपनी पिक के हिसाब से रखना है, तभी आपकी पिक बेस्ट एडिटिंग और प्रोफेशनल टाइप एडिटिंग हो पाएगी। सो आप लोग देख सकते हैं, उसके बाद गाइज जाना है ये टेम्परेचर वाला ऑप्शन आप लोगों को दिख रहा होगा। टेम्परेचर वाला ऑप्शन में जाने के बाद आप लोगों यहाँ मिक्स का ऑप्शन दिख रहा होगा, मिक्स के ऑप्शन में जाइएगा। मिक्स में गाइज यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे कलर हैं। तो गाइज ये कलर का मतलब है कि आपके पिक में जो कलर है वही कलर को आप पॉपअप कर सकते हैं, कलर को पॉपअप कर सकते हैं गाइज। तो हम लोग यहाँ ऑरेंज पे जाएंगे। सबसे पहले ऑरेंज पे जाने का मतलब गाइज, हमारा फेस का कलर ऑरेंज होता है, तो ऑरेंज से आप लोगों को अगर गोरा करना है तो यहाँ लुमिनस का नीचे में लास्ट में ऑप्शन दिख रहा होगा, लुमिनस को आप लोगों को बढ़ा देना है। और गाइज सेचुरेशन को कर लेना है कम। सेचुरेशन को 30 के आसपास रख लेता हूँ मैं अपने फ़ोटो के, 20 के आसपास। और राइट गाइज, तो आप लोग देख सकते हैं मैंने लुमिनस को 76 अपने फ़ोटो के हिसाब से आप लोग को रखना है। उसके बाद गाइज मैं इसको नेचुरल एडिटिंग करने वाला हूँ, एकदम नेचुरल बेसिक एडिट, जो लगे फ़ोटो एडिट नहीं है एकदम सर। गाइज कलर पॉपअप इफेक्ट मैं इसमें डालने वाला हूँ, तो ग्रीन के साथ भी हम लोग कुछ नहीं करेंगे। गाइज यहाँ पे आसमान आप लोगों को वाइट दिख रहा होगा, तो इसको हल्का सा हम ब्लू करेंगे। ब्लू करने के लिए गाइज आप लोगों को सेचुरेशन को बढ़ा देना है। मैंने सेचुरेशन फुल कर दिया गाइज, और अभी आप लोगों को पता नहीं चल रहा होगा, इसके बाद आप लोग पूरा वीडियो देखना गाइज। और रेड, मेरा टी शर्ट रेड है तो गाइज हल्का सा और रेड कर देता हूँ ताकि मेरा पिक अच्छा लगे, 20 के आसपास। ओके, और लुमिनस को बढ़ा लेना है। और राइट गाइज, इसको कर लेना है डन। उसके बाद कोई भी कलर के साथ छेड़छाड़ नहीं करना। उसके बाद यहाँ गाइज टेम्परेचर का ऑप्शन दिख रहा है, टेम्परेचर को हम लोग करेंगे कम, 10 के आसपास। और राइट गाइज, तो देख सकते हैं हमारी फ़ोटो कुछ इस टाइप की थी और अभी कुछ इस टाइप की है। और इसके बाद गाइज जाना है यहाँ विंटेज वाला ऑप्शन दिख रहा होगा। विंटेज वाले ऑप्शन में जाने के बाद थोड़ी सी पिक में क्लियरिटी ऐड करना है, तो 15 के आसपास मैं रख लेता हूँ। उसके बाद गाइज हल्का सा विंटेज देना है, विंटेज लुक हल्का पिक में अच्छी लगती है। और स्प्लिट टोन में जाना है,
ब्लू इफेक्ट देना है। उसके बाद गाइज यहाँ पे ये आप लोगों को ट्रायंगल टाइप का जो दिख रहा होगा इस आइकॉन में जाना है। और गाइज पिक जो स्मूथ, बहुत सारी लोगों की पिक स्मूथ आप लोगों को दिखने की मिलती होगी, तो गाइज आज मैं आप लोगों को बताऊंगा पिक में स्मूथनेस कैसे आता है। सबसे पहले आप लोगों को शार्पनिंग 7 रखना है और डिटेल को फुल कर लेना। और गाइज यहाँ पे नॉइज रिडक्शन, नॉइज को आप लोगों को जितना कीजिएगा आपका पिक उतना स्मूथ होगा गाइज। तो मैं 20 रख लेता हूँ और इसके डिटेल को भी मैं फुल कर लेता हूँ। उसके बाद गाइज कलर नॉइज रिडक्शन, यहाँ पे कलर भी स्मूथ हो जाएगा आपका, तो 18 में रख लेता हूँ, इसके डिटेल को फुल कर लेता हूँ। ऑल राइट गाइज, तो हमारी फोटो पूरी एडिट हो चुकी है, आप लोग देख सकते हैं पूरी प्रोफेशनल लुक आ रही है पिक में। सिर्फ मैंने कलर पॉपअप इफेक्ट डाला है, सो बहुत ही गजब फोटो लग रहा है गाइज। वीडियो बहुत ही अच्छा फोटो एडिट हुआ है, सो आप लोग देख सकते हैं पहले फोटो मेरा कुछ इस टाइप का था और अभी फोटो कुछ इस टाइप का है। सो गाइज वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना गाइज, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, जो लोग एडिटिंग में इंटरेस्टेड हो उनके साथ शेयर कर देना। और गाइज आप लोगों को यदि कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे एडिटिंग के मामले में या फोटोग्राफी के मामले में, तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके आप लोग DM कर सकते हो। सो गाइज मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो से।